और बजट सत्र को लेकर हरियाणा विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई है। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सत्र की अवधि और सत्र के मुद्दे को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में बजट पेश होने की तारीख में बदलाव किया गया। अब मुख्यमंत्री 8 मार्च को बजट पेश करेंगे। प्रस्तावित शेड्यूल के हिसाब से अगर बात करें तो 7 मार्च को बजट पेश होना तय था और वहीं बजट सत्र 2 मार्च से 22 मार्च 2022 तक चलेगा। बैठक खत्म होने के बाद सीएम मनोहर लाल ने यह बताया कि बजट सत्र की अवधि तय करने को लेकर मंथन हुआ। अब 8 मार्च को हरियाणा का बजट पेश होगा। बजट सत्र में पर्याप्त समय रखा गया है। बैठक में फैसला किया है कि 73 विधायकों और मंत्रियों को किसी न किसी कमेटी में रखा जाए। विधायकों और मंत्रियों से लिखित सुझाव मांगे। प्रारंभ करने की तिथि, जैसा हमको पहले से पता है, अनाउंस किया था कि 2 मार्च से बजट सेशन शुरू होगा। राज्यपाल महोदय का उस दिन अभिभाषण होगा और बाकी सारा कार्यक्रम बीएससी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने रिकमेंड किया है और वो सेशन के सामने रखा जाएगा और उसमें रिकमेंडेशन में 2, 3 और 4 उसके बाद 7 ये राज्यपाल अभिभाषण के ऊपर चर्चा और धन्यवाद प्रस्ताव पारित होगा। 8 तारीख को सुबह बजट के जो एस्टिमेट्स हैं वो प्रस्तुत किए जाएंगे और इसके बाद 14 तारीख तक अर्थात 9, 10, 11, 12, 13 ये 5 दिन कमेटियों के लिए कुछ कमेटीज बनाई गई हैं, एडॉक कमेटीज, जो इस बजट के ऊपर सेक्टर वाइज चर्चा करेंगे और अपने कुछ सुझाव देंगे। ये पहली बार इस प्रकार का एक कार्यक्रम बनाया गया है। वैसे पार्लियामेंट में ये होता है, विधानसभा में पहली बार इस प्रयोग को कर रहे हैं ताकि सभी विधायक किसी न किसी कमेटी में बैठ करके अपने अपने सेक्टर के हिसाब से वो अपने कुछ सुझाव देंगे। उन सुझाव के ऊपर भी विधानसभा में रखे जाएंगे, चर्चा होगी। जो सुझाव मानने लायक होगा जरूर उसमें माना जाएगा और उसमें विषय इतना ही रखा जाएगा कि जो एस्टीमेट्स हैं उसका जो कुल एस्टीमेट जिस सेक्टर का बनाया गया है वो सारे सुझाव उसके अंदर ही होने चाहिए। उसमें हेड्स के अंदर कम ज़्यादा करने का सुझाव वो दे सकते हैं, किसी में कम करना किसी में ज़्यादा करना है। टोटल बजट के जो आंकड़े हैं वो वही रहेंगे और इसके बाद 14, 15, 16 तीन दिन चर्चा होगी बजट के ऊपर और इसके बाद 18, 19 ये छुट्टी रहेगी, 20 भी छुट्टी रहेगी, 21 और 22 21 तारीख को चर्चा का एक प्रकार से समापन होगा, 22 तारीख को जो विधायी कार्य होते हैं, अप्रोप्रिएशन बिल होता है वो पास होगा, तो 22 तारीख तक ये बजट सत्र समाप्त होगा। क्योंकि सत्र में रखी जाती है विधानसभा में और विधानसभा में कोई सुझाव इस प्रकार का आए, कहीं लगता है कहीं सदस्यों को कि कोई समय कम है, तो उसके हिसाब से स्पीकर साहब प्रपोजल रखते हैं और विधानसभा में उसका प्रदर्शन किया जा सकता है। लेकिन हमने सारी चर्चा करने के बाद ये इस बार बजट का सत्र है, इसमें समय पर्याप्त दिया है, मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ा इसमें कोई अब शेष बचेगा समय, यानी कोई गुंजाइश, क्योंकि बजट सत्र और बजट पर ही चर्चा होती है। जो सामयिक विषय होते हैं उसमें विपक्ष के लोग अपने अपने तरीके से प्रस्ताव रखते हैं, उसमें अगर कहीं आवश्यकता होगी तो स्पीकर साहब इसका निर्णय रख सकते हैं। सुझाव के नाते से हमने कई इस बार प्रकार अडॉप्ट किए हैं जिसमें लिखित सुझाव मांगे हैं विधायकों से, सांसदों से, जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, जो जिसको कहना चाहिए स्टेक होल्डर्स हैं, उनमें कुछ की बैठकें प्रत्यक्ष हुई हैं और कुछ हमने ऑनलाइन भी सिटिंग्स की हैं। कुल मिलाकर के 8 सिटिंग्स में और लगभग 450 लोगों से मेरी प्रत्यक्ष बातचीत हुई है और सबने अपने सुझाव दिए हैं। उस सुझाव को हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी नोट किया है और विभागों ने भी नोट किया है। वो विभाग भी अपने अपने रिकमेंडेशन के साथ उन सुझाव को आगे बढ़ाएंगे। अब ये जो समय बचा है 7 तारीख तक का, इस 7 तारीख